साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वास चौधरी आपके अपने YouTube चैनल विश्वास चौधरी फार्मिंग पर आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये जो वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है हमारे युवा भाइयों के लिए या किसान भाइयों के लिए। इस मशीन के द्वारा अच्छी खासी इनकम हमारे किसान भाई अर्न कर सकते हैं। दोस्तों ये जो मशीन है वो है राइस मिल बोल सकते हैं या धान निकालने की मशीन आम भाषा में हम बोल सकते हैं। दोस्तों पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ, तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपकी कोई भी जानकारी छूट ना जाए और फुल जानकारी आप लोगों तक पहुंच जाए। दोस्तों तो बीच वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों ये जो मशीन आप देख रहे हैं यो न्यू मोहनी कृषि यंत्र उद्योग वालों की है जो गोंडा उत्तर प्रदेश में है। ये देखिए ये एक बॉक्स बना हुआ है मशीन के पीछे। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो भूसी होती है धान में वो इस पाइप की मदद से चावल से हटने के बाद इस बॉक्स में आ जाती है। और सबसे बड़ी खास अच्छी बात है दोस्तों इसके अंदर कि म्यूजिक सिस्टम की व्यवस्था दे रखी है। जैसा आप देख रहे हैं ये देखिए काफ़ी अच्छी मशीन ये धान निकालने की या राइस मिल बोल सकते हैं दोस्तों। और सबसे अच्छी जो बात है दोस्तों वो ये है कि ये पोर्टेबल है। ये देखिए दोस्तों ये जो पॉलिश होता है चावल के ऊपर वो पॉलिश इधर आ रहा है, यहाँ से चावल से छूटने के बाद ये ऑटोमेटिक इधर आता है दोस्तों यहाँ। ये देखिए ये काफ़ी अच्छे से बनाई गई है, ट्रैक्टर माउंटेड है दोस्तों, ट्रैक्टर से चलने वाली है। आप किसी भी ट्रैक्टर से इस मशीन को चला सकते हैं। ये देखिए ये PTO की सहायता से इसे घुमाया जाता है और ये पूरा काम जो है मशीन करती है। अभी पूरी जानकारी दोस्तों मैं आपको वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें साथियों, वीडियो लास्ट तक देखें, फुल जानकारी मैं दूंगा। ये स्वराज 744 XT 4-स्टार से चल रही है जो कि पावर स्टीयरिंग में है भाइयों। ये देखिए पावर स्टीयरिंग स्वराज 744। आप किसी भी ट्रैक्टर से इसे माउंटेड कर सकते हैं, किसी भी ट्रैक्टर से चला सकते हैं, चाहे वो आइसर हो या महिंद्रा हो, कोई सा भी ट्रैक्टर हो A to Z आसानी के साथ चल जाएगी साथियों। ऐसा नहीं है कि स्वराज से ही चले। ये देखिए एक लाउड स्पीकर की व्यवस्था की गई है कि गांव में जाने के बाद ये आवाज़ लगा देते हैं, ऐलान कर देते हैं कि हमारी मशीन आ चुकी है, आप अपने चावल को निकलवा सकते हैं। ये पॉलिशर से होने के बाद चावल साफ़ होके दोस्तों ये वाइब्रेटर पर गिर रहा है। ये इससे क्या है, वाइब्रेटर पर आने के बाद जो हमारा बारीक चावल है या जिसे हम आम भाषा में किनकी बोलते हैं, टूटा हुआ चावल बोलते हैं, वो ये इधर आ रहा है। और जो हमारा बचा हुआ मोटा साफ फ्रेश चावल है वो देखिए भाइयों इधर आ रहा है, एकदम साफ चावल बिल्कुल मोती की तरह आप देख सकते हैं डायरेक्ट बोरे के अंदर। ये देखिए बिल्कुल साफ सुथरा चावल है भाइयों। ये देखिए पॉलिशर है, ये बिल्कुल साफ सुथरा चावल इस मशीन के द्वारा। और जो किनकी होती है वो भी काफ़ी कम निकलती है दोस्तों इस मशीन की सहायता से, अभी पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। और इस मशीन के द्वारा हमारे जो युवा भाई हैं बेरोज़गार हैं वो भी अपनी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं इस मशीन के माध्यम से। ये देखिए दोस्तों यहाँ से ये धान डाला, धान डालने के बाद ये अंदर रोलर के अंदर जा रहा है जिससे इसके ऊपर जो छिलका है वो उतारा जाएगा। उतारने के बाद इसका जो छिलका है वो अभी मैंने आपको दिखाया था एक बॉक्स में चला जाएगा पीछे। ये छिलका उतरने के बाद ये देखिए चावल इधर आ रहा है दोस्तों। साथ ही साथ भाइयों ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये डायरेक्ट छिलका उतरने के बाद ये पॉलिशर में जा रहा है। ये देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन की गई मशीन है। ये बॉक्स है इसका पीछे जिसमें क्या भूसी या छिलका जाता है भाइयों। इससे हमारे युवा भाई काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं गांव-गांव जाकर। साथ ही दोस्तों साथियों आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें जिससे आप लोगों को नई वीडियो मिल सकती है। धन्यवाद।